18 तारीख को हमारे माँ कालका मंदिर से आशीर्वाद लेकर के माननीय मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी और हमारी पूरी हरियाणा सरकार की कैबिनेट और दिल्ली से कैबिनेट मंत्री भारत सरकार से राजनाथ जी, नरेंद्र तोमर जी सबने यहाँ पर भव्य एक जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत शुभारंभ किया कालका से। और वहाँ से भारी मूसलाधार बरसात के बावजूद भी लोगों की बहुत ज़बरदस्त संख्या रही, माँ कालका ने आशीर्वाद दिया और उसके साथ साथ कालका वासियों ने भी मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर आशीर्वाद दिया और उसके साथ लगातार कालका पिंजौर सभी जगह बड़े भव्य स्वागत हुए। और लास्ट में रैपुरानी में भी हमारा जो अंतिम छोर था वहाँ भी कोई 3,000 की संख्या से लोगों ने बहुत शानदार उनका स्वागत किया। ये यात्रा 18 तारीख से निकलते हुए सभी विधानसभा और सभी जिलों से होते हुए 8 तारीख को रोहतक पहुँच रही है, जिसमें हमारे बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी इसका समापन करेंगे। और जो हमारा बिगुल जो कालका से बजाया था चुनाव का, उसका यात्रा का भी समापन जो है वहाँ पर होने जा रहा है। और उसमें हमारे कालका की तरफ से हमारे चारों मंडलों से रैपुरानी मोरनी और पिंजौर चारों तरफ से हमारे 8,000 से अधिक संख्या हमारे यहाँ से वहाँ रैली में जाने वाली है। और लोगों में बड़ा इस बात में बहुत उल्लास है, सभी हर्षोल्लास के साथ जो हमारा ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी उसमें भाषण देंगे, आगाज करेंगे। हमारे जिसे हमारा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जिस तरह हमने लोकसभा चुनाव में 10 में 10 सीटें ली, अब की विधानसभा चुनाव में 75 पार का नारा है उनका और वो नारा उससे भी ज़्यादा रहेगा, सफल रहेगा। तो इसी के साथ कि हमारे सभी लोगों को आज हमने एक यहाँ बैठक बुलाई है अंतिम रूप देने के लिए इस कार्यक्रम को 8 तारीख के लिए। हमारे इसमें मंडल अध्यक्ष, अब पार्टी के पदाधिकारी सभी इसमें आए हुए हैं और आज अंतिम रूप देने के लिए कि किस तरह कहाँ से पिंजौर से शुरुआत होगी, कालका से होगी और रैपुरानी से यात्रा की शुरुआत हो करके वहाँ अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पर पहुँचने का काम करेंगे, उसके लिए आज एक बैठक बुलाई।